Hey guys, this is me Rabi here. I am back with another reaction video. So guys, अगर आप लोग चैनल पर अभी न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आलू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। एक व्लॉगिंग चैनल भी है हमारा बाय द नेम राबिया एंड आजम व्लॉग, नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन है, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो जनाब चलते हैं आज के वीडियो के टाइटल की तरफ। तो आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है जनाब कैरी मिनाटी की फुल एटीट्यूड वीडियोस। कैरी मिनाटी का आप लोगों को पता होगा, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर सो ऑन यूट्यूब। सो देखते हैं उनके मोमेंट्स और एंजॉय करते हैं, लेट्स वॉच। जो हमारे गेस्ट है इनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है ना कि बंदा अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए ना, इलेक्शन होने से पहले रिजल्ट आ जाए और जीत जाए, वो भी दो स्टेट का सीएम बन जाए एक साथ। आम होता है ना फलो का राजा, हमारा भाई यूट्यूब इंडिया का राजा है। सो गाइस प्लीज वेलकम द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ एशिया कैरी मिनाटी। नहीं जाना है बिग बॉस, नहीं जाना है, है बिग बॉस, बिग बॉस एक OTT क्या आ गया भाई, कब जा रहे हो बिग बॉस? तुम जाओ बिग बॉस तब बुलाना मुझे, ऐसे बाप आऊंगा मैं तुम्हारा। मुन्ना भैया कैसी बात हुई? मुन्ना भैया हमारी कॉपी है। सर जो आपने टिकटॉक का एंड किया था, मतलब टिकटॉक को गिराया था, द एंड क्यों सर? और वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सर, वो बहुत बड़ा, मतलब आपके भी करियर का और टिकटॉक के भी करियर का। सपने देखना मुश्किल नहीं होता, बस मेकअप करना आना चाहिए। उस वक्त मेरे रिश्तेदार ने मुझे बोला दुनिया आगे निकल जाएगी, तू इस चेयर पे बैठा रह जाएगा, ना पैसे कमा पाएगा ना गर्लफ्रेंड। अब भैया देखो मैं उसे माँ की गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि मौसी का लड़का। I love you all. Thank you so much. This was my treat. मजमा तुम्हें क्या कह रहा हूँ? कौन कौन चाहता आज का यही टॉपिक हो? सर 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 इसके अलावा कोई भी सर 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 तो जब मैं अरे रजत इस निकालो यहाँ से, कुछ बोल रहा हूँ कुछ सोच रहा हूँ सारा फ्लो तोड़ देता है, हाथ तो ऐसे खड़ा कर रहा है जैसे यहाँ आने के पैसे दिए हो। अभी किया है, अभी सोचा है, क्या मजा है। आपके शो का नाम क्या है वैसे? द थगेश शो। लेट नाइट विद थगेश होता तो लड़कियां नहीं। अरे रे मेरे पास मेरे अकाउंट में 3 स्ट्राइक लग चुके हैं और मेरा चैनल 7 दिन के अंदर बैन हो जाएगा, या उनके कमेंट सेक्शन में कैसे भी करके बताओ कि प्लीज़ वो क्लेम वापस ले लें। तो कैसे हैं आप लोग? 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 Wake up to reality. तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल धीमे लहजे में काम, इनका मुंह सही अच्छा लगता है। कैसे हैं आप? फनी। मैं सारी चीजें सारी खूबियां लाइक और सब्सक्राइब करने को बोला था, सो 3 लोगों के स्टाइल में चाहता अगर हो सके आशीष, हर्ष एंड कैरी, अगर अपने स्टाइल में आप जनता को बोल सके लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। कहाँ देख के बोलना है? इधर जी हाँ। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आपका फेवरेट मेंटर कौन है। वीडियो नहीं है, लाइव स्ट्रीम है। अब इसके मीम बनेंगे। तेरा ने भी रोस्ट कर दिया हमको। कोई नहीं यार, आप ना एक्चुअली में आई एम टेलिंग, इतना बढ़िया कर रहे हो आप, इतना बढ़िया कर रहे हो। बहुत लोग शो पे आके ऐसा झूठा दिलासा देंगे, उनकी बातों को सीरियसली मत लो। तब बना था, तब उसका मैसेज आया था मुझे कि मैं तेरे घर बंदे भेज दूंगा, तू क्या कहते हैं ये वाली वीडियो हटा दे। मैंने ऐसे, मैं उस टाइम पे कोई तो काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, मैंने कहा परेशान मत कर, मैं काउंटर स्ट्राइक तो जैसा मैं बोल रहा था, मेरा बचपन हस्तिनापुर में गुजरा था। तो हस्तिनापुर में आप हस्त बैतून करते थे, सही सही बताओ यार, तुम भी ना घूम फिर के वहीं आ जाते हो। कैरी जी, हमसे शादी कर लीजिए। नहीं स्त्री, अब मैं एक बाप बन चुका हूँ, जिम्मेदारियां है पे। तुम बाकी महिलाओं की तरह बीटीएस से दिल खोल के तो देखो। जवाब दिया यार, कैसा लगा? बढ़िया, ठीक है, ओके, मतलब हाँ, मैंने जब आपकी वीडियोस देखी थी मुझे भी यही फील हुआ था। अब ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं नहीं चाहता कि कभी कभार जैसे मैं फोटो ले रहा हूँ तो क्या होता है, कभी कभार ना उनके हाथ कांप रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को आपके साथ भी होता होगा कि हाथ कांपते हैं, तो मेरे को भी यार बड़ा ऐसा लगता है। अरे यार, पहले मैं, पता है क्या, अब मैं 19-18 साल का था, ऐसे कोई खिंचवाता था तो मैं इतनी यार खिंचवाली नहीं, खिंचवाई ठीक है यार, क्या है यार, ऐसे होता है। अब मेरे को लगता है यार, अब मैं अगर अपने आप को ऐसे स्पॉट में डालूं, उनके पास एक मौका है, एक ही मौका है, मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा नहीं पता, शायद मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात ना हो, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी यार। ये तो मैं तो कहता यार, ला तू दे, मैं खींच लेता हूं, फिर ऐसा लगता है मैं उनके साथ खिंचवा रहा हूं। भाई भी एकदम, हां ये बात हर कोई नहीं सोचता है। कालियों के अलावा और कुछ कहना चाहोगे? अब तेरा लोग एज एक्सपेक्टेड दैट्स कैरी मिनाटी फॉर छोरी कर ले। कैरी भाई को ऐड करो। नहीं यार अपना ऐसे ही है, हम ना करेंगे कुछ भी। गरीबों मैं अपनी चाय पी लेता हूँ। लाइक हाँ भाई, तू बोल ले, अभी मेरा बारी आने दे। नहीं यार, आप बढ़िया दिख रहे हो यार, थैंक यू। ऐसा लग रहा है मुझसे दहेज मांगने वाले। बिग बॉस का मनीषा क्रिंज है कि नहीं, आपको कैसा लगता है? कौन है मनीषा, मुझे ये बताओ पहले। अभी शुरुआत नहीं होती। मेरा चैनल 7 दिन के अंदर बैन हो जाएगा, यानी अगले वेडनेसडे तक खत्म। 7 दिन के बाद मैं कुछ भी नहीं रहूँगा। 2 साल की मेहनत ऐसे। 12 घंटे हो चुके हैं, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, भी काँप रहे हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? देख भाई, मैं तुझे बताता हूँ, इन चक्करों में ना तू पढ़, ना मेरे को पढ़ने दे। Hey, come look at this. पहले मेरे को ये बताओ, आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1.3 मिलियन। तो शो पे अभी तक जितने भी लोग आए, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आपके। आप तो ऑलरेडी फेमस हो। कैसे जैसे आपने किए? मैंने कैसे किए? गाली दो। मैं जो बोलता हूँ ना, दिल से बोलता हूँ, क्रिकेट के चक्कर में नहीं पड़ता मैं, मुझे पता क्या करता हूँ, तो गिराऊँ मैंने। टिकटॉक करके जहाँ पे तुम स्टार, भाजी मैं 3rd था पूरे वर्ल्ड में, 3rd था, लेकिन यार ओवरनाइट दुकान बंद, एक बार वाट लगी थी। मैं लंदन में था भाजी, मुझे कॉल आया, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं पूरे इंडिया में नंबर 1 पे, वर्ल्ड में 3rd नंबर पे, और मेरी आईडी कैसे चली गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब तुम वीडियोस बनाते हो, व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या इंस्पिरेशन रहती है वीडियोस के पीछे? गुस्सा। गुस्सा वो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। प्लीज मेरी तरफ इसकी तरफ देख के बात कर लो, शायद प्यार आ जाए। नहीं 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 नहीं, मेरा गुस्सा बराबर है, दोनों बराबर रहता है, दोनों जेंडर के। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मेरे पास 3 सवाल थे, वो मैं चबा गया हूँ अपने मुँह में। बिल्कुल चबा गया, बहुत धन्यवाद। क्या मुँह में बिल्कुल चबा कैरी मिनाटी के एटीट्यूड मोमेंट्स और जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है ये है कि इनके तो मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। लाइक एवरीवन इज़ पुटिंग द मीम्स व्लॉग्स के अंदर और हर डिफरेंट चीज़ों के अंदर। सो ये वहाँ से भी बहुत फेमस है। और दूसरा ये कि गालियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं। लाइक इनकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत लूज लैंग्वेज है। लाइक ही इज़ वेरी मच ट्रांसपेरेंट और वर्ड आई डोंट नो कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन इनकी थोड़ा सा जो एग्रेसिवनेस है ना और एंगरनेस है वो दिखती है वीडियोस के अंदर। आई डोंट नो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों है इतनी ज़्यादा। मे बी ही वो स्ट्रगलिंग अलॉट इन हिज लाइफ लाइक बिफोर दिस ऑल थिंग। लेकिन जब वो यहाँ फेमस हुआ उससे पहले ही वो डूइंग स्टफ जो कि शायद मेरे ख्याल से उन लोग को इतना पॉपुलर नहीं कर पा रहा था। सो फिर उन्होंने टैक्टिक चेंज कर अपना बिल्कुल फॉर्मूला डिफरेंट किया और रोस्टिंग स्टार्ट कर दी। एंड नाउ ही इज़ द पॉपुलर क्रिएटर ऑफ एशिया। सो उसमें सक्सीड भी कर गया। सो दीज आर द मोमेंट्स। आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय किए होंगे, अगर किए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलूंगी एक और वीडियो में।